हमने पिछले 3-4 दिनों से ही बता रहे हैं कि जैसे आने वाले मीन्स दिनों से ये जो है गरज चमक के साथ हल्की बौछारें, कहीं कहीं जो है हल्के तेज हवाएं, हवाओं का झोंका और कहीं कहीं जो ओले वगैरह गिरने की भी संभावना थी। उसी प्रकार से जो पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो है बादलों की आवाजाही है और कहीं कहीं जो है मीन्स हल्की वर्षा भी दर्ज की गई है, कहीं कहीं जो है ओले वगैरह भी दर्ज किए गए हैं। तो इसी के समान जैसे अभी आने वाले 24 घंटे में और 3-4 दिनों का जो मौसम रहेगा वो आप देख सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट पिक्चर पीछे में है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो एक सिस्टम बना हुआ है पश्चिमी विक्षोभ ऊपर में नॉर्थन साइड ऑफ मीन्स एक अफगानिस्तान साइड में बना हुआ है और उसके साथ ही जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है राजस्थान में और उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक मीन्स कोस्टल कोकण एरिया तक जो एक है डिसकंटिन्यूटी जा रही है और डिसकंटिन्यूटी थ्रू मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा की तरफ से जा रही है। तो इसके चलते जो है आप देख सकते कि ये जो मॉइस्चर इनकर्शन जो हो रहा है अरब महासागर से और वहां पे जो है एंटीसाइक्लोन भी बना हुआ मीन्स अपने बे ऑफ बंगाल में वहां से भी मॉइस्चर इनकर्शन हो रहा है। तो पूरे सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में बादलों का मीन्स बादल छाए हुए हैं और मध्य प्रदेश में खास करके जो है पूरे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि बादल जो है वो मीन्स दिख रहे हैं और कहीं कहीं जो अच्छी वर्षा भी हो रही है और मीन्स आने वाले दिनों में भी ये संभावना रहेगी और इसकी वजह से जो है अधिकतम तापमान में आप देख सकते हैं कि हल्की गिरावट देखी गई है। इसलिए अधिकतम तापमान जो है 40 के नीचे है इसलिए आम आदमी को जैसे कि इसमें जो हमने मीन्स आने वाले 24 घंटे में जो अलर्ट दिया हुआ है वो साउथ वेस्ट एमपी साउथ ईस्ट एमपी के जो है मंडला सिवनी और बालाघाट छिंदवाड़ा यहां पे जो है हल्का मीन्स जो अलर्ट रेड अलर्ट टाइप जारी किया गया है और उसकी वजह से जो है वहां पे देख सकते हैं कि आप गरज चमक के साथ हल्की बौछारी तो गिरेगी, कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना है और तेज हवा का झोंका भी चलेगा और उसके साथ ही हल्के ओले कहीं कहीं गिरने की संभावना है।